एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हमने आप लोग को टेंस संबंधी रूल पढ़ा दिया था। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने कवर करा दी थी आप लोग की, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कवर कर लिया था बच्चों। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं इसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बच्चों, आज हम अपवाद टेंस संबंधी रूल में मैंने आप लोग को बता दिया था कि यदि प्रेजेंट टेंस हो तो क्या चेंजिंग होगी, यदि वही चीज बच्चों किसमें हो फ्यूचर टेंस में हो तो क्या चेंजिंग होगी। मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो या फिर फ्यूचर टेंस का, तो फिर कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं बच्चों। ये चीज मैंने आप लोग को बता दी थी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का हो या फिर फ्यूचर टेंस का हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन वही पास्ट टेंस में हो तो फिर चेंजिंग होती है। और वो मैंने कल आप लोग को सिखाया था विद एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोग को ये चीज मैंने सिखाई थी बच्चों। तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोग को यह बताएंगे कि यदि वो प्रेजेंट किस में हो, पास्ट टेंस में हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पास्ट टेंस में होते हुए भी उसमें चेंजिंग नहीं होती है, उसी को कहते हैं बच्चों एक्सेप्शंस अपवाद। तो आज हम आप लोग को अपवाद ही बताने वाले हैं, ठीक है। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपवाद बताने वाले हैं आप लोग को। तो चलिए आज अपवाद को ही क्या करते हैं, समझते हैं, तो टेंस संबंधी रूल के अपवाद को समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं टेंस संबंधी रूल्स के जो अपवाद होते हैं बच्चों, एक्सेप्शंस जो होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, ठीक है, कोई ऐसी बात कही जाए बच्चों जो सदैव सत्य होती है, वह बात क्या होती है, सदैव ही सत्य होती है। तो जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो बच्चों भले ही वह पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब उस समय भले ही आप लोग का पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग उस समय नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते, ये चीज आप लोग समझिएगा, ठीक है। उस समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो क्या बच्चा यदि वह आप लोग का पास्ट टेंस में हो सदा सत्य, तो पहली चीज यह नियम है जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, कैसी बात कही जाए बच्चों, सदा सत्य रहने वाली बात, यानी वह बात जो सदैव सत्य होती है, क्या होती है, सदैव सत्य होती है, ऐसी बात कही जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लें बच्चों इसके, चलिए कोई एग्जांपल देख लें। द टीचर सेड, एग्जांपल है बच्चों आप लोग का, द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्या लिखेंगे बच्चों, द अर्थ मूव्स MOVES राउंड द सन, ठीक है बच्चों। मैंने क्या लिखा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्लियर हो गया। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब बच्चों यहां से देखिए, टीचर ने कहा, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आप लोग का पास्ट का है, किसका है, पास्ट का है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, रिपोर्टेड स्पीच में कहा जा रहा है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वह क्या, पृथ्वी सदैव क्या करती है बच्चों, सूर्य की परिक्रमा करती है, यह बात सदैव सत्य रहने वाली बात है, सदैव सत्य रहने वाली, सदा सत्य रहने वाली बात है। तो जब ऐसा कोई बात आ जाए बच्चों, जब ऐसी कोई बात आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं और नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर कैसे बनाएंगे आप लोग इसे,
कैसे बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चों कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे, कंजक्शन दैट का यूज हम कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे आप लोग बनाएंगे बच्चों, जल्दी से बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से सभी लोग बनाएंगे बच्चों, ठीक है। गुड इवनिंग डियर, सभी लोग को गुड इवनिंग, जल्दी से बनाएंगे बच्चों। थोड़ा सा मैं कमेंट आ जाए बच्चों के कम ले पाऊंगा, क्योंकि आज मैं पूरा का पूरा आप लोग को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा बच्चों। कमेंट थोड़ा सा आप लोग का कम ले पाऊंगा, तो थोड़ा सा मैं कमेंट लूंगा, पढ़ाने के बाद आप लोग का कमेंट लेता रहूंगा, ठीक है। द टीचर सेड, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? दैट को यूज करेंगे। तो आइए मैं बनाता हूँ आप लोग के साथ। द टीचर सेड, उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन कौन लगेगा? दैट। अब बच्चा ये जब अपवाद है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, पहली चीज क्या होगी, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा? द अर्थ मूव्स, एम ओ वी ई एस, मूव्स राउंड राउंड द सन, ठीक है बच्चों, राउंड द सन। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई, सभी को समझ में आया बच्चों? सभी को समझ में आया? थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। और कॉपी कलम लेके बैठिएगा बच्चों, कॉपी कलम नोट और पेन लेके बैठिएगा, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद बच्चों आप लोग का झंझट खत्म हो जाएगा, आप लोग का जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, पूरे सिक्योर नंबर आपको मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आज एक्सेप्शंस भी पढ़ाऊंगा, और आज यही शुरू करूंगा आप लोग का पर्सन संबंधी रूल्स, पर्सन संबंधी नियम आज यही शुरू करूंगा आप लोग को, ठीक है। हेलो डियर, हेलो, ठीक है, आज यही बच्चों मैं शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं, आप लोग का एक रूल आप लोग का हो गया, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो फिर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। दूसरा रूल देखते हैं बच्चों, दूसरा रूल क्या कहता है आप लोग का? पहला रूल तो समझ गया ना, जब सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, ऐसी बात कही जाए बच्चों जो आदत में हो, जो इसकी जो आदत है हो, तो यदि ऐसी कोई बात कही जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन वह रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में ही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा आप लोग का? पास्ट में होगा। तो आइए कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हरी सेड टू रवि, हरी सेड टू रवि, डास बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, चलिए ये बच्चों एक एग्जांपल आ गया आप लोग का, और एग्जांपल देखिए कितना प्यारा है। हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, क्या कहा बच्चों? डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। कुत्ते किसे भौंकते हैं? अजनबियों को भौंकते हैं। स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी, क्या होता है बच्चा? अजनबी। कुत्ते अजनबियों को भौंकते हैं, तो यहाँ की बात तो इसकी आदत की है ना, कुत्ते सदैव अजनबी को देखेंगे तो भौंकेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है बच्चों? किसकी बात? हाय हाय कुनी जी, ठीक है, क्लियर है बच्चों? या किसकी बात की जा रही है बच्चों? अजनबियों की। तो कुत्ता यहाँ पे किसकी बात हो गई बच्चों? यहाँ पे बात हो गई आप लोग की आदत संबंधी। कैसी बात हो गई बच्चों? आदत संबंधी कोई बात हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज आप लोग की। चलिए ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, तो आगे देखते हैं, ठीक है। अभी मेरे पेशेंट हैं सर, प्लीज टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। ओके डियर, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए
यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ये चीज है बच्चा। अब देखो आदत संबंधी बात कही गई, कैसी बात कही गई, आदत संबंधी। तो जब इन्हें बनाएंगे क्या करेंगे बच्चों, जब इन्हें बनाएंगे तो बनाते समय ऐसे टेंस को बनाते समय क्या करना है बच्चा, यहाँ पे देखिएगा ये चीज, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद बच्चे एक ऑब्जेक्ट है, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं, यदि यह सेड है तो चेंज हो जाता है बच्चा किसमें, टोल्ड में। यदि से है तो चेंज हो जाएगा टेल में, यदि वह सेज है तो चेंज हो जाएगा बच्चा आप लोग का टेल्स में, ठीक है। यह चेंज हो जाएगा, यह चेंजिंग का नियम है बच्चा, किसका नियम है, चेंजिंग का यह नियम है। तो क्या करोगे आप लोग, लिखोगे ये चेंज होगा बच्चा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये मत कहना कि सर आपने कहा कि अभी कोई क्या हो जाए कि आदत संबंधी बात कही जाए तो कोई चेंजिंग नहीं होती, इतना तो चेंजिंग यहाँ पे होगी बच्चा, इतनी तो चेंजिंग आप लोग की यहाँ पे होगी, क्लियर है ना। चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इन्हें बनाएंगे, क्या लिखेंगे, हरी हरी, और यहाँ पे सेड की जगह पे हो जाएगा टोल्ड, हरी टोल्ड रवि, हरी टोल्ड रवि, और कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा की जगह पे बच्चा दैट, यहाँ पे क्या लगाएंगे दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉग्स डॉग्स बार्क बार्क एट स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये चीज। किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछिएगा, यस सर यहाँ पे दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बच्चा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई बच्चों आप लोग की, तो आगे के रूल्स को देखते हैं। इतना मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, यदि इतना आप लोग को समझ में आ गया बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, यदि इतना आप लोग को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इतना को मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। हेलो डियर, हेलो, ठीक है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ठीक है, गुड इवनिंग डियर। चलिए चलिए बच्चों, इतने को मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, और आगे के रूल्स को समझते हैं बच्चों, आगे के रूल्स को समझते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए अब अगला रूल देखो बच्चों। दो रूल हो गए, पहला रूल क्या था आप लोग का, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, दूसरा रूल मैंने आप लोग को बताया जब आदत संबंधी बात कही जाए। अब तीसरा रूल की बात करेंगे बच्चों, तीसरे रूल की, ठीक है, तो तीसरा रूल भी आप लोग लिख लीजिएगा, तीसरा रूल भी आप लोग लिखिएगा बच्चों, तीसरा, जब कोई कहावत कही जाए, क्या कही जाए बच्चों, जब कोई कहावत कही जाए, ठीक है, यहां से मैं लिखता हूं आप लोग का तीसरा वाला रूल, जब कोई कहावत कही जाए, ठीक है बच्चों, जब कोई कहावत कही जाएगी तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्या होगी बच्चों, तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, यदि कोई कहावत कही जाए तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्लियर है, जब कोई कहावत कही जाए तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगी बच्चों। तो आइए क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल है आप लोग का, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहां पे एक कहावत है ना कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, उसने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है बच्चों, यह एक कहावत है, क्या है, यह एक कहावत है, क्लियर है बच्चों, प्रोवर्ब है, क्या है, प्रोवर्ब हो, तो जब प्रोवर्ब की बात हो, जब कोई कहावत कही जाए तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्लियर हो गया। तो चलिए आइए इसको देखते हैं बच्चों, कैसे बनाएंगे आप लोग, ही सेड, क्या बनाएंगे,
ही सेड दैट, क्लियर हो गया। बाकी इधर का ऐसे ही उतार देंगे, वैसे ही उतार देंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे आप लोग समझ में आ रहा है। क्या करेंगे बच्चों? कमेंट करके बताएंगे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए तो हो गया बच्चों आप लोग का। अब चौथा है बच्चों, चौथा रूल आप लोग का क्या होगा? जब कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, क्या हो बच्चों? जब किसी ऐतिहासिक घटना का, जिक्र हो, ठीक है बच्चों, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो तो भी आप लोग का क्या होगा बच्चों? कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब किसी आप ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हो तो भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्लियर हो गया बच्चा। जैसे इतिहास की किसी भी घटना की बात कर लें तो कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, क्लियर हो गया बच्चों। इतिहास के किसी भी घटना की हम बात कर लें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी आप लोग की, क्लियर हो गया ये चीज। चलिए या क्लियर हो गया था कि एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं बच्चों, द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर हिस्ट्री टीचर ने क्या कहा बच्चों? ठीक है, हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द, लिख देता हूं मैं इस चीज को, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन आप इंडिया, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्लियर है बच्चों। समुद्रगुप्त कॉल्ड इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो यहां पे देखिए ध्यान से, हिस्ट्री टीचर ने क्या कहा कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इतिहास से संबंधित है बच्चों ना, किससे संबंधित है? इतिहास से संबंधित है। अभी अभी रूल मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब ऐतिहासिक बातें की जाए, कैसी बातें की जाए बच्चों? ऐतिहासिक बातें की जाए तो क्या किया जाता है? ठीक है, जब ऐतिहासिक बातें की जाएगी तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा बच्चे। तो बना लोगे सभी लोग? बना लोगे? बोलो यस सर। बना लोगे सभी लोग? थोड़ा बोलिए यस सर। यदि बना लेंगे बच्चों तो सभी लोग बोले यस सर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, द इनको मैं बनाता हूं, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, ठीक है बच्चा यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इतना हो गया। उसके बाद क्या कर देंगे? उतार देंगे पूरा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। ये चीज हो गई आप लोग की, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया सभी लोग को? ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग इसको उतार लीजिए, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए बच्चों। मैं इनको थोड़ा रिमूव करूंगा, थोड़ा सा जल्दी से आप लोग उतारेंगे, ठीक है, जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, इन्हें अपने नोटबुक पे उतारेंगे। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है।
हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने इसे क्या किया होगा, अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूँ और आप लोग को आगे बताता हूँ। पर्सन संबंधी रूल, ये टेंस संबंधी रूल हो गए बच्चों, टेंस संबंधी रूल भी और उसके अपवाद भी हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा रूल, अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्सन संबंधी रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो जिनको भी बच्चों, बिल्कुल बच्चा फाइल मिल जाएगी आप लोग को, मैथ की आप लोग को फाइल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और किसी सब्जेक्ट की, और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो किसी भी क्लास की, तो कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, किसी भी क्लास की चाहते हो कि सर इस सब्जेक्ट आप लोग की नहीं चल रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सर ये चीज हमारी नहीं चल रही है, मैं चलवाने की कोशिश पूरी करूंगा बच्चा आप लोग की। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम सीखेंगे पर्सन संबंधी रूल। क्या सीखेंगे? पर्सन संबंधी रूल सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा सारे लोग पर्सन संबंधी नियम। क्या बनाएंगे बच्चों सारे लोग? पर्सन संबंधी नियम। ठीक है, पर्सन संबंधी रूल सभी लोग हेडिंग बना लिए बच्चा। तो आइए क्या करते हैं बच्चों, यदि पर्सन संबंधी रूल सभी लोगों ने क्या किया, हेडिंग बना लिया है, तो आइए हम इसको पहले समझते हैं, पर्सन संबंधी रूल को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आप लोग का, सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं पर्सन संबंधी रूल में। ऐसा पढ़ाऊंगा बच्चा कि कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ऐसा पढ़ोगे कि कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। देखिए पर्सन संबंधी रूल के लिए, ठीक है, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं बच्चों, दिखाई देगा सभी को ना यहां से। चलिए, पर्सन संबंधी नियम, पर्सन संबंधी रूल। ठीक है बच्चों, पर्सन संबंधी रूल। चलिए ये चीज बन गई, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक कॉलम बनवा देता हूं। क्या बनवा देता हूं बच्चों? कॉलम बनवा देता हूं। इधर आप लोग कॉलम बना लीजिएगा, थोड़ा सा एक सारणी टेबल। ठीक है, और मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूं पर्सन। क्या लिखता हूं बच्चों? पर्सन। फर्स्ट में आप लोग क्या लिखेंगे? पर्सन। उसके बाद बच्चों पर्सन के बाद आप लोग लिखेंगे क्या? ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे नॉमिनेटिव केस। क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? नॉमिनेटिव केस। क्लियर है? नॉमिनेटिव केस, जिसे हम कहते हैं बच्चों सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। हाँ बच्चा, कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताता हूँ, कुछ हुआ नहीं है, सारी चीजें सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रोहित, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, उसके बाद बच्चों आप लोग का आएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड नंबर पे आप लोग का क्या आ जाएगा बच्चा? आप लोग का पोसेसिव केस। क्या आ जाएगा? पोसेसिव केस। ये चीज आप लोग बना लीजिएगा, पोसेसिव केस। ठीक है, हो गया पूरा का पूरा कॉलम आप लोगों ने बना लिया बच्चों। वीडियो यदि पसंद आ रही है बच्चों, तो थोड़ा सा लाइक करते रहिएगा आप लोग वीडियो को, और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्लास अभी थोड़ा सा और आप लोग का चलेगा। पर्सन संबंधी रूल जब मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ बच्चों, तो बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं, इतना समझ लीजिए। भले थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, यदि आप सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो थोड़ा बच्चों सही जगह पे इन्वेस्ट अपना समय करना सीखो, सही जगह पे अपने टाइम का इन्वेस्ट करना सीखो। यदि आज मेरे साथ कुछ समय अपना आप दे रहे हो बच्चों, तो कल आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके किसी भी एग्जाम में जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, आप तैयार रहोगे। तो थोड़ा सा समय दो बच्चों, दोस्तों को भी लेके आया करो कि चलो बहुत ही अच्छा पढ़ाई हो रही है। जो भी है बच्चा, आपको यदि लग रहा है कि अच्छा पढ़ाई रहे, तो दोस्तों को मोटिवेट करो यहाँ आने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि पर्सन तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के पर्सन होते हैं? तीन टाइप के पर्सन होते हैं। तो पहले पर्सन को, पहला को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट कहते हैं, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद बच्चों सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन। उसके बाद आप लोग को हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के हो गए बच्चों? तीन प्रकार के हो गए। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और
थर्ड पर्सन। तो बच्चों आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बातों को कहता है, ठीक है। जैसे मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ बच्चों, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, ठीक है। कहने वाला, आपकी बातों को कहने वाला जो वक्ता होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है बच्चा? फर्स्ट पर्सन होता है। ये चीज क्लियर हो गई? वक्ता आप लोग का फर्स्ट पर्सन होता है, क्लियर है। दूसरी चीज जो सुनता है, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हो, वहां आप सुन रहे हो मेरी बात को ना बैठ के, ठीक है। तो क्या है, जो सुनने वाला होता है वह सेकेंड पर्सन होता है। कितना? सेकेंड पर्सन। और बच्चों तीसरी चीज, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जाती है वह थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, समझ में आया बच्चों? यदि समझ में आ रहा है तो यस कहिएगा, कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा बच्चों तो यस कहिएगा, कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, क्लियर है। चलिए चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट पर्सन में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं सब्जेक्टिव में, क्या क्या चीजें होती हैं ऑब्जेक्टिव में, और क्या क्या चीजें होती हैं पोसेसिव में, ठीक है। क्या क्या चीजें अलग अलग हैं बच्चों, सबको हम समझेंगे, क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी। देखिए यहाँ पे आई और वी, क्या क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव केस में, यानी कि आप लोगों को नॉमिनेटिव केस की से, जिसे आप लोग कहते हो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, दोनों ही एक ही नाम है बच्चा। तो सब्जेक्टिव केस में आई और वी आते हैं आपके। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आ जाएगा आप लोग का? मी और अस, मी और अस आ जाएगा, ओके डियर। चलिए मी और अस आ जाएगा। उसके बाद पोसेसिव केस में चलेंगे बच्चों, पोसेसिव केस में चलेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको भी लिखते हैं, माई, क्या होगा बच्चा? माई और माइन, क्या हो जाएगा? माई और माइन। और इसका होगा आप लोग का आवर या आवर्स, ठीक है। ये हुआ आप लोग का फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का हो गया बच्चों आप लोग का। किस पर्सन का हो गया? फर्स्ट पर्सन का। क्या होगा आप लोग का? नॉमिनेटिव केस में आई और वी, ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस, और यहाँ पे पोसेसिव केस में माई माइन आवर आवर्स, क्लियर है। क्लियर है बच्चों? यूज करना भी सिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा आप लोग, यूज करना भी इस चीज को मैं सिखाऊंगा अभी आप लोग को, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइएगा बच्चों, मैं आप लोग को यूज करना अभी सिखाऊंगा, पहले लिख लेने दीजिए, ठीक है। लिख लेता हूं तो फिर मैं आप लोग को यूज करना सिखाता हूं, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में यदि आप देखेंगे तो क्या आता है आप लोग का? यू आता है। क्या आता है बच्चों? यू आता है, वाई ओ यू, ठीक है। सेकेंड पर्सन में आप लोग का आएगा बच्चों यू, वाई ओ यू, ठीक है। चलिए सेकेंड पर्सन हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों सेकेंड पर्सन के किसमें आप लोग का? ऑब्जेक्ट में आप लोग का क्या आएगा बच्चों? यू ही आएगा। क्या आएगा? यू ही आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा? यू ही रहेगा। कैपिटल और स्मॉल में अंतर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे योर, योर या योर्स, ठीक है। ये चीज हो गई फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, दोनों आपने समझा बच्चों। अब थर्ड पर्सन के तरफ चलेंगे। किधर चलेंगे? थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में समझेंगे बच्चों कि क्या क्या चीजें आती हैं, थर्ड पर्सन में समझेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो आइए इनको समझते हैं बच्चों। ही, सी, इट, दे, दिख रहा है नीचे तक आप लोग को? दे। उसके बाद हु, डब्ल्यू एच ओ, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं ना, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, ठीक है, ओके डियर, कोई कोई नहीं, ठीक है। यदि आप लोग को काम है चले जाओ, बाद में ही देख लेना। हु, ही, सी, इट, दे, हु, क्लियर है बच्चों? ही, सी, इट, दे, हु, क्लियर है ये चीज। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये तो आप लोग का सब्जेक्टिव केस हो गया, तो क्या आ जाएगा? ही का हिम, ऑब्जेक्ट में। सी का बच्चों हर, क्या होगा? हर। इट का आप लोग का क्या बनेगा? इट ही बनेगा, इट का इट रहेगा। दे का बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। और हु का आप लोग का हुम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? हुम हो जाएगा, डब्ल्यू एच ओ एम, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आइए इधर देखते हैं बच्चों,
ठीक है। हिम का क्या बनेगा बच्चों, हिम का क्या बनेगा आप लोग का, हिज बन जाएगा। यहाँ पे देखिए पोसेसिव में क्या बनेगा, हिज बनेगा। उसके बाद इधर देखिए हर का क्या बन जाएगा आप लोग का, हर या हर्ष बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, हर या हर्ष, ठीक है। इधर देखिए इट का आप लोग का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे देम, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का, दे देम, ठीक है। दियर दियर्स, क्या हो जाएगा, दियर दियर्स, क्लियर है बच्चों, ठीक है। दियर टी एच ई आई आर दियर दियर्स। अब लास्ट में बच गया आप लोग का हु, हुम, और क्या होगा बच्चों, हुज, डब्ल्यू एच ओ एस ई, डब्ल्यू एच ओ एस ई, हुज, ठीक है। ये है आप लोग की सारणी। अब इसी सारणी की सहायता से हम पर्सन संबंधी रूल को पढ़ना सीखेंगे बच्चों। किस रूल को, पर्सन संबंधी रूल को पढ़ना सीखेंगे। बहुत ही आसान रूल्स होते हैं बच्चों। इस सारणी को एक बार आप लोग क्या कीजिए बच्चों, लिख लीजिए, ताकि आप लोग को हमेशा काम करे। सारणी बहुत ही आसान सारणी है। एक बार पहले से आप लोग को मैं बता देता हूं, एक बार मैं शुरू से आप लोग को बता देता हूं बच्चों कैसे सारणी काम करती है आपकी, ठीक है। यहां देखेंगे फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में आई और वी, ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस, और पोसेसिव में माई माइन आवर आवर्स, क्लियर है। सेकेंड पर्सन में यू यू योर योर्स, उसके बाद बच्चों थर्ड पर्सन में ही सी इट दे हू, और यहां देखेंगे हिम हर इट देम हुम, और यहां देखिए हिज हर हर्स इट इट्स देयर देयर्स हुज। बस इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही है बच्चों। और इतने से ही आपको क्या करना है, पूरा पूरा पर्सन संबंधी रूल को आप लोग को कर लेना है बच्चों, ठीक है। पूरा का पूरा पर्सन संबंधी रूल को आप लोग कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहां देखते हैं बच्चों, यहां इसको देखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना इस चीज को। चलिए अब आगे देखो, अगला रूल देखेंगे बच्चों, ठीक है। इरेज कर दे बच्चा, रिमूव कर दे आप लोग का, रिमूव कर दे। यदि समझ में आ गया हो तो रिमूव कर दे थोड़ा सा आप लोग का, ठीक है। यदि चीजें समझ में आ गई हो तो रिमूव कर दे, या फिर ऊपर लिख के पढ़ाए बच्चों, ठीक है। बोलिए रिमूव कर दे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आइए हम पहले पर्संस को समझते हैं बच्चों। किसको समझते हैं, पर्संस को समझते हैं कि पर्संस कैसे कार्य करेंगे, हमारे जो पर्संस है बच्चों वह कैसे कार्य करेंगे। इधर मैं थोड़ा सा लिखूंगा आप लोग का, ठीक है, क्या करूंगा बच्चों, इधर मैं थोड़ा सा आप लोग का लिखूंगा, यदि आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। इधर मैं थोड़ा सा आप लोग का लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, यदि यहाँ पे लिखिएगा वन टू थ्री, और यहाँ पे लिखेंगे यस ओ एन। यदि बच्चा हमारा फर्स्ट पर्सन का क्या हो बच्चा, ठीक है, देखिए देखते क्या है, रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है बच्चों, किसको देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को। सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, क्लियर है बच्चों। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को सदैव देखिएगा, क्या होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आप लोग का क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन का है, तो चेंजिंग होगी आप लोग के किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के, जो रिपोर्टिंग स्पीच आप लोग की होती है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को सबसे पहले देखिएगा। यदि वह सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो क्या होगा बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का है तो चेंजिंग होगी, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है बच्चा, किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का, तो चेंजिंग किसके अनुसार होगी, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में हो तो चेंजिंग किसके अनुसार होगी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, पहला नियम, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन में हो बच्चा, ये चीज आ जाए आप लोग का, ये चीज रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, तो चेंजिंग कैसी होगी बच्चों, चेंजिंग होगी आप लोग की रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट
सेकेंड पर्सन में हो, किसमें हो बच्चों? सेकेंड पर्सन में, तो चेंजिंग कैसी होगी? ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यह चेंजिंग होगी। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है बच्चों थर्ड पर्सन में हो, किसमें हो? थर्ड पर्सन में, तो फिर क्या होगा? रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब या बच्चों उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होगी। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, फर्स्ट पर्सन में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में बच्चों आप लोग कोई चेंजिंग नहीं, और सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार। आइए एग्जाम्पल्स को करके देखते हैं बच्चों, ठीक है? क्या करके देखते हैं? एग्जाम्पल्स को करके देखते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स करके देखेंगे बच्चों, और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आप लोग का। एक एग्जाम्पल में आप लोग का लिखता हूँ आई सेड, ठीक है बच्चों? एक एग्जाम्पल में आप लोग का ले लेता हूँ। आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा? आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। क्लियर है? आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपको ध्यान कहाँ देना है? रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच ये है बच्चों आप लोग का इनवर्टेड कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में हो, कौन बच्चा? सब्जेक्ट किस पर्सन में हो? फर्स्ट पर्सन में। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई है हमारा, चलिए आई है, तो क्या कहता है? इसकी चेंजिंग जो होगी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगी, उसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगी बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ये आप लोग का फर्स्ट पर्सन में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आप लोग का फर्स्ट पर्सन में है, तो कोई दिक्कत नहीं। वही हमें चेंज करना था बच्चों, और वो ऑलरेडी आप लोग का फर्स्ट पर्सन में है, तो क्या कर लोगे बच्चों? ठीक है, आप लोग क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे ही इसको क्या करोगे? उतार लोगे, क्या बनाओगे? आई सेड दैट, ठीक है बच्चों, आई सेड दैट। उसके बाद क्या होगी बच्चों? आई डू नॉट लाइक दैट बुक, ठीक है। आई तो डू है बच्चा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, ठीक है। किसमें चेंज होगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या लिखोगे? आई, और डू है तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया, क्या होती है बच्चा? डिड नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगी? डिड, और नॉट है तो नॉट लाइक, आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज? आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, क्लियर हो गया ये चीज? चलिए बच्चों यहां समझिएगा, मैंने कहा कि यदि या किसमें हो बच्चों? फर्स्ट पर्सन में, रिपोर्टेड स्पीच ये फर्स्ट पर्सन में था, तो उसकी चेंजिंग किसके अनुसार होगी? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है बच्चों ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन में है, किसमें? फर्स्ट पर्सन में ऑलरेडी हुआ है, तो क्या करेंगे? ऐसे ही इसको उतारेंगे, आई सेड और दैट लगाएंगे, उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? आई है, क्लियर है? सब्जेक्ट आई है आप लोग का। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? सहायक क्रिया डू होती है बच्चा, क्या होती है? डू। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कल मैंने आप लोग को बताया था, यदि पास्ट का हो आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब, तो चेंज होता है पास्ट में ही, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में बनेगा, तो क्या होगा बच्चा? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया लगती है आप लोग की डिड, तो आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, क्लियर हो गया। अगले को देखें बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। यदि यह चीज आप लोग को समझ में आई है बच्चों, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों दोस्तों में, ठीक है, ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। देखिए बच्चों, चलिए चलिए देखिएगा, यू सेड, मैं लिखता हूं बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल, यू सेड
कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यू सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम लर्निंग माय लेसन. यू सेड आई एम लर्निंग माय लेसन. क्लियर है बच्चों? देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा, यू सेड आई एम लर्निंग माय लेसन. देखिए सबसे पहले चेंजिंग करते समय कहां ध्यान देते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया, तुरंत ध्यान देंगे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट बच्चा फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किसका है, फर्स्ट पर्सन का. यदि यह फर्स्ट पर्सन का है तो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार. चलिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा बच्चा, उसके अनुसार चेंज करेंगे. तो ये आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट यू है. क्या बच्चों? यू है. और यू कहाँ है बच्चा? सेकेंड पर्सन में. यहां मैंने आप लोग को लिखवाया ना, यू कहाँ पे है? सेकेंड पर्सन में. तो चेंजिंग इसके अनुसार होगी बच्चा. यदि यह सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका सेकेंड पर्सन का लगेगा. लगेगा, क्लियर है? चलिए तो इसे बना लीजिए आप लोग. क्या बनाएंगे आप लोग, जल्दी से बना के बताइएगा. ठीक है, जल्दी से सभी लोग बना के बताएंगे बच्चों. ठीक है, जल्दी से बनाएंगे. बना लोगे आप लोग? थोड़ा कमेंट करके बताओ कि यस सर बना लेंगे. थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताओ बच्चों कि यस सर बना लेंगे. जल्दी से कमेंट करो आप लोग. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, सभी के जवाब आ रहे हैं बच्चों. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो चलिए इनको बनाते हैं बच्चों और मिला लीजिए जो आप लोगों ने बनाया है, अपने नोटबुक से मिलाइएगा. यू सेड, यू सेड और लगाएंगे बच्चा यहाँ पे दैट, कंजक्शन दैट. अब आई चेंज होगा बच्चा ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. सब्जेक्ट कौन है? यू. तो इसके अनुसार ये भी आप लोग का चेंज हो जाएगा यू में. आई कभी गलती से मत रखिएगा, ये आप लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है बच्चा और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार. किसका सब्जेक्ट? सबसे बड़े क्वेश्चन यही है. तो रिपोर्टिंग वर्ब का, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में, देखी होगा आप लोग का सेकेंड पर्सन में. सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट क्या है बच्चा? सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट पे चलिए, सब्जेक्ट यू है. क्या है बच्चों? यू है. तो क्या रखोगे? यू ही रखोगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का? यू. और यहाँ पे देखिए एम है, यानी कि यहाँ पे देखिए एम है, यानी कि सहायक क्रिया के बाद बच्चा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? आई एन ई लगा है. क्या लगा है? यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में. किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में. पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? उसमें सहायक क्रिया क्या लगती है? वाज और वर लगता है. एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर, और क्या होगा? वर्ब में आई एन जी. ठीक है, वर्ब में क्या लगेगा बच्चों? आई एन जी. तो दैट यू, और यहाँ पे एम की जगह पे लगा देंगे बच्चों वर. यू वर. यहाँ बच्चों लर्निंग है, तो ऐसे ही लर्निंग हम भी लिख लेंगे, क्योंकि वर्ब की थर्ड पार्ट आई एन जी हमें चाहिए. लर्निंग यहाँ लिया है बच्चों माय लेसन. ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो क्या था, कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन का था तो पोसेसिव केस माई थी. फर्स्ट पर्सन में पोसेसिव केस माई थी, तो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट बनाया है. तो इसी लाइन में चले आइए सीधे, इसमें क्या है? पोसेसिव केस योर है. क्या बच्चा? योर है. यही चेंजिंग आपको सीखनी है, यही सीखनी है. यदि यह चीज सीख गए तो पर्सन संबंधी रूल कभी गलत नहीं होगा बच्चा, कभी गलत नहीं होगा. यहाँ देखिए आई था तो आपने लगाया यू, तो फिर यदि माई है तो लगाओ योर. क्या लगाओगे बच्चों? योर लगाओगे. ठीक है, क्या लगाओगे? योर लगाओगे. ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चा आप लोग का? योर लगाओगे. क्लियर हो गया बच्चों? चलिए तो इससे क्या करेंगे आप लोग, लर्निंग, लर्निंग थोड़ा एक मिनट रुकना बच्चों, कॉल आ रहा है. हेलो, स्कूल पे? ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं. यू सेड दैट यू आर लर्निंग
और माई की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा योर, और यहाँ पे आप लोग का लेसन है तो लेसन ही रहेगा। ठीक है, चेंजिंग समझ में आ रही है आप लोग को, चेंजिंग समझ में आ रही है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई बच्चों, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग थी आप लोग की, किसकी चेंजिंग थी, फर्स्ट पर्सन की थी। यदि किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ सकते हो आप लोग, पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, क्योंकि अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सेकेंड पर्सन की चेंजिंग, किसकी बच्चों, सेकेंड पर्सन की चेंजिंग बताने वाला हूँ। अब तक तो आप लोग बच्चों ठंडी से परेशान थे, अब परेशान हो गए गर्मी से। देखो मैंने आप लोग का 40-45 मिनट का क्लास लिया लेकिन पसीना होने लगा, मतलब क्या है बच्चों, गर्मी अब आने वाली है और जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। अब फिर कहोगे सर गर्मी की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अब तक कह रहे थे सर ठंडी की वजह से नहीं हो पा रही है, तो बच्चा पढ़ाई करने का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं समय, मेहनत कीजिए, क्योंकि नींद सबको आती है लेकिन जो उसी में क्या करता है मेहनत करके जग जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों सफलता उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, क्या बोलते हैं पंखों में क्या रखा है, हौसलों में उड़ान होती है, ऐसे है ना, तो वही चीज होगी बच्चों आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग को सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को बच्चों, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, इन्हें आप लोग आई थिंक नोट कर लिए होंगे, अब मैं इन्हें इरेज करता हूँ बच्चों, क्या करता हूँ इरेज करता हूँ, और मैं आप लोग को सेकेंड पर्सन की चेंजिंग बता, ठीक है, किसकी, सेकेंड पर्सन की। समझ में आया बच्चों तो एक बार कमेंट में लिख दो, यस सर, ओके सर, जल्दी से कमेंट में आप लोग लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट में लिखिएगा। चलिए हो गया बच्चों, ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग को, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बच्चों सेकेंड पर्सन की चेंजिंग, ठीक है, किसकी चेंजिंग, सेकेंड पर्सन की। ठीक है, सेकेंड पर्सन की चेंजिंग किसके अनुसार होती है बच्चा, देखिए यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन में हो तो उसकी चेंजिंग होगी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि ऑब्जेक्ट नहीं देगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आपका मानना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी आपकी खूबी होगी कि आप क्या मानोगे तो गलत नहीं होगा, क्या मानोगे तो गलत होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आज मैं पूरा इसको समझा के जाने वाला हूँ। ठीक है, क्या करने वाला हूँ बच्चों, पूरा समझा के जाने वाला हूँ। तो आइए एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लिखते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, He said to me, "You are happy. You are happy." देखिएगा, He said to me, "You are happy." देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हमने क्या बोला कि आप लोग को क्या ध्यान देना है, आप लोग को ध्यान देना है बच्चों कि किस पे, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू है, यू किस में है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है। तो सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा बच्चा, ऑब्जेक्ट के, किसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब ये है आप लोग का, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, किसका है बच्चों, मी है, यहाँ पे देखिए मी है, और मी का सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो बस जब मी दे रखा है बच्चों किसमें, ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का जो सब्जेक्ट बनेगा क्या, आप लोग का आई बनेगा। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए बच्चों, उस चीज को बना लीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, जल्दी से आप लोग बना लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग बनाए बच्चों।
ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से बनाया होगा आप लोग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करेंगे बच्चों, इन्हें बनाएंगे। ही सेड टू मी, तो यहाँ बच्चों रिपोर्टिंग वर्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो क्या बनाएंगे, सेड को ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद बच्चों क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यू, यू आप लोग का सेकेंड पर्सन का क्या है बच्चों, आप लोग का सब्जेक्ट है, तो अब चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है और इसका सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, आई, क्या लगेगा, आई, और यहाँ पे आर है तो बच्चों लग जाएगा वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी। ठीक है, देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुई, बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं हुआ, बस सिंपल सा हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, परिवर्तित कर दिया, सिंपल सा हमने बदल दिया, क्लियर हो गया, आई वाज हैप्पी, कोई चेंजिंग नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी चेंजिंग हुई, कोई चेंजिंग नहीं हुई बच्चों, सिंपल सा हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बच्चों बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों तो आप लोग बताइए, बिल्कुल आप लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक और एग्जांपल है बच्चों, राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, ठीक है, राम सेड टू हिम, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, बिल्कुल आसान है बच्चों, बन जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलिए बनाते हैं बच्चों इनको, राम सेड टू हिम, तो बनाएंगे सीधे सीधे, राम टोल्ड हिम, ठीक है, राम टोल्ड हिम, कोई दिक्कत नहीं, दैट दैट। अब देखो बच्चा, यू आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन का है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ग का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, हिम, हिम किसका ऑब्जेक्ट है बच्चा, देखो यहाँ पे हिम, ये किसका है, ही का, तो क्या बनेगा वहां पे, क्या लगेगा आप लोग का, ही, क्या लग जाएगा, ही, ठीक है, अब यू के बाद आर है तो क्या लग जाएगा आप लोग का बच्चों, यू के बाद आर है तो आप लोग का क्या लगने वाला है, ठीक है, ही के बाद लगेगा आप लोग का वाज, ठीक है, क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि पास्ट में चेंज होगा, उसके बाद नॉट डूइंग एनी वर्क, नॉट डूइंग एनी वर्क, नॉट डूइंग एनी वर्क, बस बच्चों चेंजिंग हो गई आप लोग की, ठीक है, चेंजिंग हो गई आप लोग की, क्लियर हो गई, ये चेंज हो गया आप लोग का, ठीक है, ये आप लोग का चेंज हो गया बच्चों। अब इसके बाद थर्ड पर्सन को देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, थर्ड पर्सन का, ठीक है, ये चीज हो गया बच्चों तो थर्ड पर्सन का देखेंगे, ठीक है, इरेज कर देंगे, चलिए इरेज कर देते हैं, थर्ड पर्सन को भी देख लेते हैं। अरे बच्चों अभी तो इसमें एक चीज मैंने बताया नहीं, ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, तो आइए ऐसे किसी को देख लेते हैं, ऐसा कोई दिया है कि नहीं, ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है आप लोग का, ठीक है, एग्जांपल है बच्चों, एक एग्जांपल है राम सेड, एग्जांपल क्या है, राम सेड, राम सेड, ठीक है, उस
जाएगा यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग बच्चों, यहां पे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि राम सेड, यहां तक पूरा का पूरा उतार दोगे राम सेड। अब यहां देखो यह क्या है, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। बच्चों कोई ऑब्जेक्ट यहाँ दिया ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है क्या, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे बच्चों, जो भी ऑब्जेक्ट मानेंगे उसके अनुसार ही चेंजिंग होगी। जो भी ऑब्जेक्ट मानेंगे, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हम हिम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं बच्चों, हिम मान रहे हैं, यहाँ पे हमने हिम ऑब्जेक्ट मान लिया यदि, तो यहाँ पे चेंजिंग, अब यहाँ सेड तो लगेगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका एक हो गया, जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, राम टोल्ड हिम। देखिए यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब आई और वी में हो तो फिर आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा मी और अस ना मानिएगा, बाकी सब सही होगा, बाकी सब सही होगा, कुछ भी मान लीजिए सेकेंड पर्सन में थर्ड पर्सन में सब हमेशा सही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, हिम लिया, क्या लिया हिम, तो क्या आ जाएगा राम टोल्ड हिम। अब देखिए एक किसके अनुसार चेंज होता है, जो आपका रिपोर्टिंग एक किसके अनुसार सेकेंड पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट हिम है बच्चा, तो हिम का जो होगा आप लोग का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही, ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोग का ही राम टोल्ड हिम। अरे दैट तो लगाया नहीं, दैट यहाँ पे जोड़ दे बच्चों, सॉरी यहाँ पे दैट लगा दीजिए आप लोग, क्या लगा देंगे दैट राम टोल्ड हिम दैट, ठीक है राम टोल्ड हिम दैट। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, ये चीज आप लोग की क्या हो जाएगी, इसके जगह पे हो जाएगा ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड। बस कोई चेंजिंग हुई क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करते हैं, मानते हैं यदि ऑब्जेक्ट ना दे तो ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट मानते समय मी और अस मत लीजिएगा, बाकी सब सिचुएशन आपकी सही होगी, इन्हें आप मान सकते हैं बच्चा, इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, कभी भी मानेंगे इसको हमेशा सही होगा, हर सिचुएशन में सही होगा, इसको मान सकते हैं हमेशा सही होगा। लेकिन यह दो सिचुएशन में गलत हो जाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो बच्चों, क्या हो आप लोग का, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ग का सब्जेक्ट आई और वी हो, बस यही चेंजिंग है आप लोग की, और कोई चेंजिंग नहीं है, बस यही चेंजिंग है बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग ने ये चीज समझ लिया तो आई थिंक कि आप लोग इन्हें नोट कर लिए होंगे, तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा थर्ड पर्सन की चेंजिंग, ठीक है थर्ड पर्सन की चेंजिंग में आप लोग को बताऊंगा, और वही रूल है आप लोग का बच्चों, जो आप लोग देखिए फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, आप क्या करेंगे बच्चों, थर्ड पर्सन, क्या करेंगे थर्ड पर्सन की चेंजिंग, थर्ड पर्सन की चेंजिंग में कह रहा है नो चेंजिंग, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन में हो, ठीक है फिर से सुनिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा बच्चों, कोई चेंजिंग नहीं होगा आप लोग का, कोई चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग ही नहीं करेंगे, ठीक है उन्हें वैसा ही बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं बच्चों, एक दो एग्जांपल करते हैं इसका। सुरेश सेड ही इज एन इंजीनियर। देखिए क्या लिखा मैंने, सुरेश सेड ही इज एन इंजीनियर, ठीक है ही इज एन इंजीनियर, तो क्या होगा बच्चा, लिखेंगे आप लोग सुरेश सेड, और यहां पे बच्चा ध्यान से यदि हम देखें तो आप लोग का दैट लगेगा, क्या लगेगा दैट, यहां पे देखो ही क्या है आप लोग का, ही आप लोग का थर्ड पर्सन में है, किसमें है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, यदि बच्चा थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग, क्या होगा नो चेंजिंग। तो सिंपल सा बना लेंगे बच्चों, क्या बना देंगे सिंपल सा बना देंगे, तो क्या हो जाएगा ही इज एन इंजीनियर, तो इसको पांच में कर लेंगे ही वाज
एन इंजीनियर, ही वाज एन इंजीनियर। बस सिंपल सा हो गया बच्चों आप लोग का ये चीज, ठीक है, ये हो गया आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस बच्चों आज आप लोग को मैंने क्या किया, पर्सन संबंधी रूल समझा दिया, अपवाद समझा दिया। कल से बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, कल से हम इसके और सारी चीजों को, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया आप लोग का, ठीक है, कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरू करेंगे बच्चों। किसको शुरू करेंगे, इंट्रोगेटिव का। अब एक दिन में एक सेंटेंस को खत्म करेंगे तो चार दिन में चार सेंटेंस कंप्लीट करा देंगे आप लोग का। एक दिन में एक सेंटेंस यदि मैं कंप्लीट कराऊं तो चार दिन में चार सेंटेंस को मैं क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। और आप लोग का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश्ड हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से फिनिश्ड हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, यह फिनिश हो जाएगा। तो यदि किसी को कोई डाउट हो बच्चा, क्लासेज आप लोग के शाम को आप लोग के साढ़े पाँच सवा पाँच के हैं, ठीक है, सवा पाँच साढ़े पाँच के आप लोग के क्लासेज हैं। किसी दिन यदि देर हुआ तो साढ़े पाँच हो जाएगा, लेकिन इसी के बीच में होगा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी बच्चा, तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत अपने टाइमिंग को नोट कर लीजिए, तुरंत आप लोग वीडियोज को ओपन करेंगे, ठीक है, चैनल पे जाके, और वहां आप लोग को मिल जाएगा उस टाइम पे क्लास, ठीक है। रात में क्लास आप लोग का आता है कितने बजे, रात में आठ बजे आप लोग का हिंदी का क्लास आएगा बच्चों, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, हिंदी के क्लास के लिए भी आप लोग क्या होंगे, तैयार रहेंगे। क्लियर है, चलिए तो बस बच्चों आज के क्लास में इतना ही था। जाने से पहले वही चीज आप लोगों से यूजुअली अपील है कि दोस्तों को जोड़िए, जितना ज्यादा आप दोस्तों को जोड़ेंगे बच्चों उतना ज्यादा आप लोगों को क्या होगा, फायदा होगा। मुझे आप लोग अच्छा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे यदि, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, चैनल पे यदि जो भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, और आप लोग क्या करेंगे बेल आइकन को भी दबा के रखेंगे, ठीक है। और बच्चों वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जितना भी आपको व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, फेसबुक ग्रुप होगा, जो भी होगा स्टडी मटेरियल्स का जो भी होगा वहाँ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और बच्चों एक चीज़ याद दिला दूँ कि जो मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ कि स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। जाने से पहले मैं आप लोग को क्यों बोलता हूँ कि स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक मस्त रहे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप स्वस्थ रहिए, उसके बाद आप मस्त रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, अपनों के प्यार के साथ, यानी यदि अपनों का प्यार आपके साथ बना हुआ है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती, पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती, आप जीत जाओगे, जो आपकी मंजिल है वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं अपनों के प्यार के साथ और हल्की सी मुस्कान के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का एक ही बच्चा क्या होता है, एक ही उपाय होती है आपकी हल्की सी मुस्कान, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हल्की सी मुस्कान के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, बच्चा ऊपर वाले का आशीर्वाद इसलिए कहता हूं क्योंकि ऊपर वाला जो हम पूरी लाइफ भर नहीं कर पाते वो एक पल में कर सकता है, इसलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज। बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद, ठीक है।